यूहन्ना के जन्म अतीत में परमात्मा अपन भविष्यवक्तन से बात करीन, यही से उ मनई से बात कर सकत रहे हैं। पर वह समय से लेके फिर 400 साल के बीता तक उनके से बात नहीं करीन। तब परमात्मा जकरिया नाम के भविष्यवक्तन के पास एक ठे स्वर्गदूत का भेजिन। जकरिया और वाखर मेहरिया एलिशिबा परमात्मा के आदर करत रहे हैं। वो बहुत बूढ़वा हो गए रहे हैं और उनके कोनो संतान नहीं रहो। वह स्वर्गदूत जकरिया से कहिस, तोर मेहरिया के एक ठे बेटवा पैदा होई, ते वाखर नाम यूहन्ना रखे। परमात्मा वही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करी और यूहन्ना मनई का मसीह का स्वीकार करे के लाने तैयार करी। जकरिया जवाब दईस, मैं और मोर मेहरिया संतान पैदा करे के लाने बहुत बुढ़वा हन, मैं कैसे जानो कि ते मुझसे सच कहते हस। वह स्वर्गदूत जकरिया का जवाब दईस, तोरे पास या शुभ संदेश का लामे के लाने मैं परमात्मा के द्वारा भेजे गए हूँ। कहे से कि ते मोरे ऊपर विश्वास नहीं करे, यही से लड़कन के जन्म लय तक ते बोल न पाइहे। तुरंत ही जकरिया बोले में असमर्थ होइगा। तब वह स्वर्गदूत जकरिया के पास से चलोगा। एके बाद जकरिया घर लौट आओ और वाखर मेहरिया गर्भवती हुई। जब इलिशिबा 6 महीने के गर्भवती रही ही, तब वह स्वर्गदूत अचानक से इलिशिबा के रिश्तेदारन पर प्रकट होइगा, जेकर नाम मरियम रहो। मरियम कुमारी रही ही और शादी होए के लाने यूसुफ नाम के मने के साथ वाखर मंगनी हुई गौ। स्वर्गदूत कहिस, ते गर्भवती हुई है और एक ठे बेटवा का जन्म दई है, तो ही वाखर नाम यीशु रखा का पड़ी। वह सर्वशक्तिमान परमात्मा के बेटवा हुई और हमेशा के लाने शासन करी। मरियम जवाब दईस, ये कैसे हुई, कैसे मैं तो कुंवारी हूँ। वह स्वर्गदूत समझाइस, पवित्र आत्मा तोरे ऊपर आई और परमात्मा के सामर्थ, यही से वह बच्चा पवित्र हुई और वह परमात्मा के बेटवा हुई। जोन वह स्वर्गदूत कहिस ओखे ऊपर मरियम विश्वास करिस। यह होए के तुरंत बाद मरियम जाके इलिशिबा से भेंट करिस। जैसे ही मरियम वही नमस्कार करिस, इलिशिबा के बच्चा ओखे भीतर उछलिस। उनके लाने परमात्मा जोन करे रहे हैं, ओखे कारण उम मेहरिया एक साथ खुश हो गई। इलिशिबा के साथ 3 महीने रहे के बाद मरियम घर लौट आई। एके बाद इलिशिबा अपन बेटवा का जन्म दईस। जकरिया और इलिशिबा व बेटवा के नाम यूहन्ना रखीन, जैसा कि वह स्वर्गदूत आदेश दे रहे हैं। तब परमात्मा जकरिया का बोले में सक्षम करीन। जकरिया कहिस, परमात्मा की स्तुति हो, कहे से कि उमनैन के सहायता करे का याद रखीन। हे मोर बेटवा, ते सर्वशक्तिमान परमात्मा के भविष्यवक्ता होई है कि ऊ कैसे अपन पाप से क्षमा पा सकी। लुका अध्याय 1 से बाइबल की एक कहानी।